अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का मौजू आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर सब लोग कंफ्यूज रहते हैं और हर एक के पास ये अथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई भी गारमेंट हो, चाहे वो हुड हो, कोई बनियान हो, या वो कोई कैजुअल शर्ट हो, टी शर्ट हो, या फिर कोई जैकेट हो, पैंट हो, इनमें जो ए बी और सी जोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन एरियाज को ए बी और सी जोन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप क्लियरली तौर पर ये समझ जाएंगे कि जोन जो हैं वो कितनी किस्म के और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके अलावा दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है गारमेंट जोन से रिलेटेड। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गारमेंट्स में, चाहे वो पैंट हो, बनियान हो, शर्ट हो, हुड हो, जैकेट हो, या कोई भी कैजुअल शर्ट या टी शर्ट, उनमें जो जोन्स होते हैं ए बी और सी, यानी अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें तो उसको आप 1, 2 और 3 जोन भी कह सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक शॉर्ट पैंट से। शॉर्ट पैंट निकर को बोला जाता है, 3/4 को भी बोला जाता है। दोस्तों, निकर का जो फ्रंट हिस्सा है, जिसको हम फ्रंट पे देखते हैं, यानी फ्रंट पैनल्स, वो होता है ए जोन, और अगर हम बैक पैनल की या बैक साइड की बात करें तो वो होता है बी जोन। ए जोन को दोस्तों आप 1 भी बोल सकते हैं और बी को आप 2 बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एक पैंट के बारे में। पैंट में भी 3 जोन होते हैं, ए बी और सी। इसको क्लियरली समझ लेते हैं। जो ए जोन होता है दोस्तों, ये होता है थाई से ऊपर ऊपर, यानी जो क्रोच है, क्रोच का इख्तिताम और इन सीम का स्टार्ट जहां से होता है, इससे ऊपर ऊपर आप अगर देखें तो वो फ्रंट और बैक, ये दोनों बनते हैं ए जोन। उसके बाद नी तक, जो नी का एरिया है दोस्तों, वहां तक, थाई से लेकर वहां तक, वो बनता है बी जोन। लेकिन अगर आप नी से नीचे बॉटम तक जाते हैं, वहां पर भी बी जोन ही कहलाएगा। लेकिन सी जोन भी यहीं पर मौजूद होता है, वो कहां पर? इन सीम एरिया को आप बी जोन कहेंगे। यकीनन आप समझ गए होंगे, मैं फिर दोहरा देता हूं। ए जोन आप कहते हैं थाई से, यानी के क्रोच तक आप ए जोन बोलेंगे, क्रोच से नी तक आप बी जोन बोलेंगे, और नी से लेकर बॉटम तक भी बी जोन होगा। लेकिन यहां पर जो नी से बॉटम तक का इनसीम है, उसको आप सी जोन बोलेंगे। इसी तरह से अगर आप पैंट की बैक साइड पे आ जाएं, तो पैंट की बैक साइड पे आप नी से ऊपर तक आप उसको ए जोन कह सकते हैं, और नी से नीचे उसको बी जोन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं शर्ट के बारे में। जो एक कैजुअल शर्ट होती है, जो कि ड्रेस पैंट के ऊपर कॉलर शर्ट पहनी जाती है, उसके भी दोस्तों 3 जोन होते हैं। उसको आप 1, 2 और 3 जोन के हिसाब से भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने कैजुअल शर्ट को पैकिंग से निकाल कर देखा होगा, तो आपकी पैकिंग में जो एरिया आता है, यकीनन आपका ये कॉलर और ये फ्रंट एरिया आता है। मैं साथ में ये पिक्चर भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी पता चल जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब ये जो आपको दोस्तों नजर आ रहा है मार्क हुआ हिस्सा, ये ए जोन है, और स्लीव और इससे बाहर वाला हिस्सा जो है वो बी जोन है। और अगर हम सी जोन की बात करें तो दोस्तों वो बिल्कुल बॉटम साइड चली जाती है। इसी तरह से शर्ट की जो बैक साइड है वो भी ए जोन होती है, और स्लीव की जो इनर साइड होती है, यानी वहां पर एक जॉइंट होता है, जॉइंट की जो इन साइड है, जो कि स्लीव की बिल्कुल नीचे वाली साइड है, जैसा कि मैं आपको यहां से भी समझा रहा हूं और ये पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, ये होता है बी जोन। और अगर सी जोन की बात करें तो दोस्तों मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि वो होता है बिल्कुल बॉटम साइड, उसको बी जोन या नंबर 3 जोन बोला जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हैं आपके शर्ट के। इसके बाद अगर आप हुड की बात करें
तो हुड में जो आपकी हुड कैप आ जाती है वो भी एज ऑन होता है, फ्रंट आ जाता है, स्लीव का टॉप हाफ हिस्सा जो आ जाता है वो भी एज ऑन है। इसी तरीके से जब आप बिल्कुल हाफ शर्ट से नीचे जाते हैं तो वो बी जोन में चला जाता है, और अगर आप स्लीव में कफ वाली साइड पे चले जाते हैं तब भी वो बी जोन होगा। और दोस्तों सी जोन वही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक हो या फ्रंट वो बिल्कुल लोअर पॉइंट जो वो सी में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी जो एक बुनियान है जो हम अंडर गारमेंट यूज करते हैं बुनियान में वो कौन सा है, उसमें भी बहुत इजी है जानना। वो ये है कि आपका फ्रंट जितना भी है वो ए जोन होगा, अगर आप बैक साइड पे जाएंगे तो बी जोन आपकी हाफ जो बुनियान होगी ऊपर वाला जो एक हिस्सा होगा हाफ वो होगा बी जोन और नीचे वाला होगा सी जोन। इसके बाद दोस्तों आखिर में अगर आप अंडरवेयर की बात करें, चाहे वो बॉक्सर हो चाहे वो वी अंडरवेयर हो, तब भी जो आपके ए जोन और बी जोन है वो बहुत सिंपल है। फ्रंट एरिया जो होगा वो ए जोन होगा और बैक साइड जो होगी वो बी जोन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से ए बी और सी जोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी और आपकी कन्फ्यूजन भी खत्म हो गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान, अस्सलाम वालेकुम।